बेसिकली लेटर जो आया तिहाड़ जेल से उसमें ये मेंशन था कि मनु शर्मा को बेल प्रॉबेबली मिल जाएगी 3-4 महीने में और कोई विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड होता है जो द विक्टिम्स फैमिली कैन क्लेम, तो अगर आपको चाहिए तो वो फॉर्म वॉर्म थे जो भरना था वो भेजना था वापस उनको। तो मैंने उनको वापस चिट्ठी लिखी कि मुझे विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड नहीं चाहिए, आई सेड आप अगर हो सके तो गिव इट टू समबडी नीडी एंड यू नो हु वांट्स हु नीड्स द फंड्स, आई डोंट वांट दैट। एंड आई ऑल्सो सेड दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई एम ओके विथ मनु शर्मा गेटिंग बेल, फर्क की बात नहीं है। सी आप 15 दिन 15 महीने 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल वो जेल में रह चुका है, सो आई डोंट फील दैट ही, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अगर वो निकल भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स आए थे 99 में मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। ये मेरा खुद फीलिंग आ रहा है क्योंकि आई एम टेलिंग यू सिंस 99 आई बीन एट इट, हम 2018 में हैं, बहुत टाइम हो गया है और इट्स नॉट एज इफ कि मैं कह दूं और हो जाएगा। मेरा यही बोलना था कि मुझे आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद हिम बीइंग रिलीज, इट वाज जस्ट अ फीलिंग दैट केम फ्रॉम विद हिम कि कोई बात नहीं निकल भी जाए तो कोई बात नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्टेड जस्टिस फॉर माई सिस्टर, आई वॉन्टेड मनु शर्मा कन्विक्टेड फॉर माई सिस्टर्स मर्डर। आई वॉज नेवर वेरी हैवी, आपको उस टाइम भी याद होगा या नहीं आई डोंट नो, बट आई वॉज नेवर सो गाघों की मतलब पनिशमेंट इतनी होनी चाहिए। मुझे वो ही ख्याल था कि ही शुड बी कन्विक्टेड, वो जेल में जाए।